स्पेसिंग आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक। ये मैं 5 मिनट में आपको 5 ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहली ट्रिक क्या है इसको समझेंगे। तो ये ट्रिक नंबर 1 में जरा ध्यान देंगे तो पहचान क्या, अगर 0 to π/a हो log sin ax upon 2 हो, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है उसका आधा होना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर लिखना और log हाफ लिख देना। तो इसके हिसाब से देखिए आंसर क्या लिखेंगे इसका। तो पहले तो ये वाला यहाँ उतार देंगे π/2 और यहाँ पे क्या कर देना बस log हाफ। यहाँ पर देखिए यहाँ जो भी है बटे में उसका आधा होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आधा है तो हमें बस कुछ नहीं करना, चाहे ये साइन में हो चाहे कॉस में, दोनों का आंसर एक ही आने वाला, यानी π/4 log हाफ। ऐसे इसका देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पे 3 है, आधा है, यहाँ 6 है तो यहाँ इसका आधा, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो आंसर हमको वही लिखना है। बस ये उठा के यहाँ रख दीजिए π/6 log हाफ लीजिए, ये हो गई। चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक की आज समझेंगे, अगर क्वेश्चन इस टाइप का log 1+, अब यहाँ ध्यान देना यहाँ का यहाँ पर 4 गुना होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम इसका दुगना कर देंगे यहाँ पे π/2a log 2। अब इस हिसाब से देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटू में 1 लिखा तो इसका 4 गुना है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 लिखा है इसका 4 गुना यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, π/, इसको डबल कर दीजिए बस 8 और log 2, ऐसे यहाँ भी देखिए इसको डबल कर दीजिए आंसर आ गया π/16 log 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। अगर आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलिए सीखते हैं ट्रिक नंबर 3। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में लाइक भी करते रहिएगा। तो ट्रिक नंबर 3 क्या है इसे समझेंगे। इसकी सबसे पहले पहचान, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस ट्रिक से करेंगे। तो नंबर पहचान तो ये है कि ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक। इसको टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन इसी यही बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप करना क्या, ये कैसे आएगा, तो इसे करने के लिए दोनों लिमिट को जोड़ना है, यानी कि लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना और उसमें से ये वाला माइनस करना है, वो सो लो के ये वाला आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए आ रहा है, आ गया कि नहीं, ऐसे यहाँ देखिए हमें करना क्या, दोनों को जोड़ना है और उसमें से एक्स को माइनस करना है, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा, cos 90 माइनस थीटा sin x। अगर ये आ रहा है तो हम इसके आंसर को डायरेक्ट ले सकते हैं। देखो कैसे, ये फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट कितनी जरा बताइए, π/2 माइनस 0/2, तो आंसर आ गया π/4। ऐसे इसका आंसर अपर लिमिट, इसको जो सोल्व करेंगे बिल्कुल सेम आ जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अब ऐसे यहाँ देखिए इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट है 3 माइनस लोअर लिमिट है 2 अपॉन 2, सॉल्व करा कितना आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया 1/2। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम यही है, रूट टेन को रूट साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला सीखते हैं ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये शर्त है 0 से π/2 लिमिट होना चाहिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे π/2ab, यानी इसका और इसका वर्गमूल आपको यहाँ पे निकाल के रखना है, समझ में आ गई। तो देखिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 0 to π/2 दोनों में लिमिट है इसी टाइप की है, तो आंसर क्या होगा π/2 और यहाँ पर वर्गमूल निकाल कर रखना, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 और 36 का वर्गमूल 6, तो आंसर हो गया π/2 = 16, 16 + 16=96, ये आंसर हो गया। इसका देखिए क्या रखना, π/2 इसका वर्गमूल निकालिए, 5 का वर्गमूल हो गया 5 और 3 का वर्गमूल हो गया √3, तो आंसर आ गया 5 का वर्गमूल √5 और ये आ गया आंसर 2/15 लीजिए, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए ट्रिक नंबर 5 की ओर चलते हैं। यस, अब हम करते हैं देखिए ट्रिक नंबर 5 स्टार्ट। ट्रिक नंबर 5 बड़े ही मज़ेदार ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपको नहीं आती तो बहुत लंबा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए ठीक सीखते हैं ट्रिक नंबर 5। अब देखिए ट्रिक नंबर 5 क्या है, यहाँ पर देखिए पाई लिमिट जो होनी चाहिए 0 to π/2 होनी चाहिए, 0 to π/2, 0 to π/2, अगर नहीं है तो बना लो, कैसे बनेगी, प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर डिवाइड करो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट π/2 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये लिमिट मैंने बना ली, अब यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 4/8, यानी कि सम इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन, ठीक है, इसका रोल अलग है। अगर पावर कैसी हो देखिए यहाँ पे ओड यानी विषम, इसका रोल अलग है, ठीक। तो अगर सम है तो करना क्या, आपको जितना ऊपर लिखा यहां से एक कम करके खोल दो,
दो के अंतर पर ऐसी से खोल दो नीचे वाले को, नीचे वाला वहीं से स्टार्ट करना है जितना नंबर लिखा है 4 2, और इनटू में लिख दो पाई अपॉन 2। समझ में आया? तो आंसर आ गया इसका 3π/4 × 8 × 16। ऐसी वाला देखिए, अगर नहीं आया समझ में तो एक कमरे को खोलना, कितना खोलना 7, दो के अंतर पे 5 3 1, ये वाला नीचे वाला वहीं से स्टार्ट करना 8 6 4 2 इंटू पाई बाई 2। और यहाँ पर देखिए 2 है, ये 2 और यहाँ पे ऐसे लिख लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35π/128। ये आंसर आ गया। अब देखो पावर अगर ओड हो तो क्या करना, रूल वही है, 5 है तो एक कमरे स्टार्ट करना दो दो के अंतर पर, नीचे वाला यहीं से स्टार्ट कर देना 5 3 1, लेकिन इंटू में यहाँ पर 1 लिखना, पाई बाई 2 नहीं लिखना, बस इतना अंतर है। तो आंसर आ गया 8/15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी करना वही रूल है, एक कम करके स्टार्ट कर दीजिए 8 6 4 2, और नीचे वाला कहाँ से करना, नहीं से स्टार्ट करना 9 7 5 3 1, इंटू में क्या लिखना 1 लिखना। अब इनके आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर रहेगा हमारा 128/335। यह आंसर हमारा। अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में लाइक का बटन भी दबाते रहिए, और बराबर में एक घंटी का बटन भी उसको भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।